ऑल राइट right, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला लेक्चर ट्रांजिस्टर्स पे। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा था। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बेस एमिटर वोल्टेज वर्सेस बेस करंट का जो ग्राफ होता है कॉमन एमिटर मोड में। तो इस तरह का ग्राफ आया था, बस ये कि बेस करंट मेरा माइक्रो एम्पियर में था ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ पे बिल्कुल डायोड जैसा ही ग्राफ है, बस ये माइक्रो एम्पियर में क्यों, क्योंकि बेस बहुत लाइटली डोप्ड होता है, तो बहुत सारा बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होता बेस के अंदर, मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर दे जस्ट पास इनटू द कलेक्टर। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ था हमारा क्या था, कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, और इसमें ये आइडियलाइज कैरेक्टरिस्टिक ऐसे थे और दिस वॉज मोर रियल। और इसमें मैंने बताया था दो रीजन, क्या एक सैचुरेशन रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन कब होता है, जब VCE जीरो हो जाता है। VCE क्यों जीरो हो जाता है, जब एमिटर बहुत ज्यादा करंट फेंकता है तो हमें पता है उधर VCE जो होता है वो VCC माइनस ICRC होता है राइट, और IC बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर ये जीरो को टेंड करता है, तो ये हमारा सैचुरेशन रीजन है। और फिर कट ऑफ रीजन की बात की थी, कट ऑफ रीजन क्या था, कट ऑफ रीजन था जहां पे बेस एमिटर जंक्शन प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस्ड ही नहीं, तो उसके अंदर क्या करंट मेरा जीरो हो जाएगा और इवन नेगेटिव भी हो सकता है बेस करंट। नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो तुम्हें पता है कि रिवर्स बायस जंक्शन की तरह आप कर रहा जो कलेक्टर साइड है, तो नेगेटिव भी हो सकता है बट होगा वो माइक्रो एम्पियर्स में नेगेटिव। ओके ओके, तो ये सारी बात हमने कल कर ली थी। अब आगे बात करने वाले हम लोग ट्रांजिस्टर के कुछ एसी पैरामीटर्स की। तो याद है जैसे डायोड में भी हमने रेजिस्टेंस ऑफ डायोड वगैरह डिफाइन किया था, तो इसी तरह से ट्रांजिस्टर के लिए भी इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस इस तरह की चीजें कुछ डिफाइंड होती थी। तो कैसे डिफाइन करते हो देखते हैं। क्या लिखा, इन सेवरल एप्लीकेशंस ट्रांजिस्टर आर सब्जेक्टेड टू टाइम वेरिंग वोल्टेजेस एंड करंट फ्लक्चुएटिंग इन विसिनिटी ऑफ सम मीन वोल्टेज। तो किसी वोल्टेज के आसपास थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, यानी एसी इनपुट दे दी तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा होगा एसी इनपुट की वजह से ठीक है, किसी मीन वोल्टेज, और उस मीन वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, जो मीन वोल्टेज के अराउंड फ्लक्चुएशन चल रहा है ठीक है। इन सच केसेस इट इज ऑफन यूजफुल टू डिफाइन डायनेमिक और एसी पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, दिस इज मोस्टली डन इन द एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन के अंदर ही हम लोग डीसी पैरामीटर्स यानी डीसी सॉरी एसी पैरामीटर्स यानी एसी रेजिस्टेंस वगैरह डिफाइन करते हैं, इनपुट एसी रेजिस्टेंस आउटपुट एसी रेजिस्टेंस वगैरह ठीक है। नाउ वी विल डिफाइन सम एसी पैरामीटर्स और डायनेमिक पैरामीटर्स। सबसे पहला पैरामीटर जो डिफाइन करने वाले हैं वो क्या हमारा, इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइंड है, चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज अपॉन चेंज इन बेस करंट, यानी ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ है इसका स्लोप क्या होगा, ये तो डी आई बाई डीवी होगा राइट, इसके स्लोप का रेसिप्रोकल हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो भी स्लोप है उसका रेसिप्रोकल वो क्या है हमारा, इनपुट रेजिस्टेंस ठीक है। तो वो इनपुट रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास ऑपरेट करोगे, वहां पे जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है, या एक्चुअली इंस्टेंटेनियस की जगह थोड़ा सा हम डेल्टा वी बाई डेल्टा आई कर देते, इंस्टेंटेनियस को निकालना ग्राफ से बड़ा मुश्किल होगा, बट वैल्यू देख के उस ऑपरेटिंग पॉइंट के आसपास में दो वोल्ट वोल्टेजेस और दो करंट्स लेके सब्ट्रैक्ट करके हम लोग इसका स्लोप एस्टिमेट कर सकते हैं राइट। तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस ठीक है। तो क्या लिखा, रेशियो ऑफ चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज टू चेंज इन बेस करंट एट कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ VCE, VCE की कॉन्स्टेंट वैल्यू, देखो ये जो ग्राफ प्लॉट किया VCE को कॉन्स्टेंट रखते हुए प्लॉट किया, कॉन्स्टेंट वैल्यू VCE पे जो इसका स्लोप आ रहा है यानी स्लोप का रेसिप्रोकल, इसको क्या बोल देते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस एज कैन बी सीन फ्रॉम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इट्स वैल्यू वेरीज विद ऑपरेटिंग करंट इन द ट्रांजिस्टर। तो ये स्लोप कांस्टेंट तो नहीं ना, दिख रहा है ना, करंट के साथ साथ वेरी करते जा रहा है, तो इसीलिए ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है। डायनेमिक इन द सेंस कि इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग पॉइंट, इसलिए इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग ठीक है। ओके, इट्स वैल्यू वेरीज विद ऑपरेटिंग करंट, ऐसे दे रखा ठीक है, ये नीचे VC लिखा यानी एट कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ VC। तो मैंने दिखा दिया इसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में क्या फिजिकली यानी ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन अ टिपिकल ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन इनपुट रेजिस्टेंस कैन बी एनीवेयर बिटवीन फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड ओम। तो ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस उस ऑर्डर की होती है हमारी। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू कलेक्टर एमिटर वोल्टेज डेल्टा VCE, चेंज इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज टू चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC, इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस। ये भी एक तरह का डायनेमिक रेजिस्टेंस है, बट और कब किस इसमें क्या चीज कांस्टेंट रखते हैं, बेस करंट की कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर एकदम आइडियलाइज्ड कर्व है तो सोच के देखना, आइडियलाइज्ड कर्व है तो यहाँ पे देखो जरा करंट का चेंज तो नेग्लिजिबल ही है, यहाँ पे देखो IC की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही है, तो डेल्टा IC तो जीरो को टेंड करेगा, इज इट,
और लेकिन VCE तो मेरा चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वैसे आइडियलाइज कर में इंफिनिटी हो जाएगी, तो वैसे लिटरल इंफिनिटी नहीं होती, वेरी लार्ज होती है, बट समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये कर्व फ्लैट ही हो गया आपके रीजन में, तो आउटपुट रेजिस्टेंस उस हिसाब से इन्फिनिटी जैसा हो जाना चाहिए आइडियलाइज। क्या लिखा, एट वेरी लो वैल्यूज ऑफ VCE दैट इज द वेलकमिंग वोल्टेज वी से दैट इनिशियली IC इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू VCE। तो शुरू शुरू में तो देखो ये कुछ कुछ लीनियरली प्रोपोर्शनल जैसा ग्राफ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद फ्लैट है, ठीक है, ओके। दिस इज बिकॉज बेस कलेक्टर जंक्शन इज नॉट सफिशियंटली बायस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सफिशियंटली मोटिवेटेड टू क्रॉस द लॉन्ग एंड हाई रेजिस्टेंस कलेक्टर रीजन। पता है ना VCE क्यों लगाना पड़ता है, ताकि वो वेलकम कर सके इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को। तो शुरू शुरू में नहीं है तो वो नहीं है स्ट्रॉन्ग बैटरी इनफ, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे VCE वैसे वैसे और मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू क्रॉस, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद फिर क्या लिखा, और व्हेन VCE सफिशिएंटली लार्ज IC बिकम्स नियरली कांस्टेंट, तब फिर IC कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। द रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नियरली फ्लैट पार्ट ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक गिव्स द वैल्यू ऑफ R आउटपुट RO, दस आउटपुट रेजिस्टेंस इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द बायसिंग बैटरी और द कलेक्टर साइड VCE मतलब VCE एक्चुअली VCE जो है VCC अपने आप में कंट्रोल हो, बैटरी ज्यादा होगी तो VCE भी ज्यादा होगा, तो VCC से कंट्रोल हो रहा है, राइट। दस इन एक्टिव स्टेट मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस इज क्वाइट हाई, किस ऑर्डर का होगा, 100 किलो ओम के ऑर्डर का होगा, मैंने बोला था ना इन्फिनिटी हो जाएगा आइडियलाइज कैरेक्टरिस्टिक, बट एक्चुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 किलो ओम, इस टाइप का होता है आउटपुट रेजिस्टेंस। एंड इन सैचुरेशन रीजन इट इज रिलेटिवली मच स्मॉलर, सैचुरेशन रीजन में बहुत कम हो जाता है। This is somewhat like characteristic of reverse bias diode, where reverse saturation current is nearly constant for the sufficient reverse biasing until the breakdown voltage. ठीक है, definition clear हो गई output voltage की, not output, output resistance की definition clear, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं current amplification factor, beta. करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कल हम लोगों ने देखा था, क्या था, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, ऐसे डिफाइन किया था, तो उसको हम कहते हैं डीसी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और वहीं पे मैं डेल्टा आईसी पे डेल्टा आई भी कर दूं तो वो था हमारा एसी करंट एम्पलीफिकेशन, तो वही लिखा हुआ है। रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट ऑफ द कलेक्टर टू द चेंज इन बेस करंट टू होना चाहिए, टू द बेस करंट होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए, टू द बेस करंट होना चाहिए, चेक कर लो, टू द चेंज इन बेस करंट एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज कॉल्ड द डायनेमिक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको बीटा एसी भी बोलते हैं, तो डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईवी, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज स्मॉल सिग्नल करंट गेन, अल्टरनेट नाम क्या है, स्मॉल सिग्नल करंट गेन, एंड इट्स वैल्यू इज फेयरली लार्ज, वही 20 से 200 के आसपास इसका होता है, वही जो बीटा होता है नॉर्मली, तो डीसी का बीटा और एसी का बीटा में कोई खास चेंज नहीं, तो एक कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट है ना, तो कोई चीज मतलब कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये कहाँ गया, एक मिनट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे इसका जो चेंज हो रहा है डिवाइडेड, तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है देखो जरा, 10-5 चेंज हुआ इसका, फर्दर 2 mA-1 mA चेंज हुआ, राइट। तो चेंज इन बेस करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन बेस करंट, वो भी 200 ही आ रहा है, इज इट नॉट। तो कल हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बेस करंट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, इन दोनों का रेशियो लेता, वो भी 200 था, इनके चेंजेस का भी रेशियो वो 200 ही है, ठीक है। तो जनरली ये दोनों करीब करीब बराबर ही होते हैं, बीटा एसी और बीटा डीसी में कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर आते हैं, लेकिन डेफिनेशन अलग है, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट है, ठीक है, ओके ओके। तो ये हमारा हो गया, और डीसी करंट गेन क्या है, इफ यू सिंपली फाइंड द रेशियो आईसी अपॉन आईबी, वी कॉल इट द, कॉल द रेशियो एज डीसी करंट गेन, और सिंपली बीटा डीसी, मैथमेटिकली आईसी बाय आईबी होगा, ठीक है, क्योंकि आईसी और आईबी का रेशियो फिक्स ही होता है ना, तो डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी का भी वही रेशियो होगा, डिफरेंशिएट कर लो ना, आईसी तुम्हारा क्या है, आईसी इज बीटा डीसी इनटू आईबी, राइट, तो डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी भी तो बीटा ही हो जाएगा, इस तरह की बात है। तो इसलिए एसी करंट एम्पलीफिकेशन और डीसी करंट एम्पलीफिकेशन में खास चेंज नहीं, फ्लैट अगर ग्राफ तुम्हारे चल रहे, ठीक है, ओके। मैथमेटिकली ये दिया, सिंस द वैल्यू ऑफ आईसी इंक्रीजेस ऑलमोस्ट लीनियरली विद आईबी इन एक्टिव स्टेट, तो आईसी अपॉन आईबी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी, तो टिपिकल एप्लीकेशंस इन एक्टिव स्टेट बीटा डीसी और बीटा एसी दोनों के लिए बीटा ही बोल देते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं करते, समझ में आया, ठीक है। तो क्लियर है ये करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की डेफिनेशन, क्लियर है सभी को, लेट मी नो। इसके बाद जो अगला पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं, दैट इज अल्फा ऑफ अ ट्रांजिस्टर, एक होता है बीटा और एक होता है अल्फा, तो अल्फा और बीटा में क्या क्या रिलेशन है वो भी देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। अल्फा को कैसे डिफाइन किया, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट टू द एमिटर करंट होना चाहिए, जस्ट जस्ट अस शुड बी टू द एमिटर करंट, ठीक कर लेना, हाँ, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट इज कॉल्ड अल्फा ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ठीक है, आईसी अपॉन आईई, तो अल्फा जो होगा दैट विल बी वेरी क्लोज टू वन, वन से थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है
करीब 99% के ऑर्डर के जो होते हैं वो चले जाते हैं कलेक्टर में, ठीक है। तो 0.99 के आसपास होगा ये जो है अल्फा जो है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो दस मैथमेटिकली अल्फा इज आई कलेक्टर अपॉन आई एमिटर। इन अ टिपिकल ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन अल्फा इज वेरी क्लोज टू वन। वी कैन इजीली रिलेट अल्फा टू बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर बाय जंक्शन। तो अल्फा और बीटा में हम रिलेशन निकालने वाले। तो जंक्शन लॉ के हिसाब से पता है एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, राइट, ठीक है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं, अब पूरे को हम किससे डिवाइड करते हैं, इस पूरे को डिवाइड कर दो तुम अल्फा से, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। जस्ट वन सेकेंड, हाँ। तो क्या किया, आईई को मैंने आईसी अपॉन अल्फा लिख दिया, ठीक है ना, सही है, इसी रिलेशन से दिख रहा ना, आईई आईसी बाय अल्फा। तो इसी इक्वेशन में क्या लिख दिया, आईसी बाय अल्फा, और आईसी एज इट इज रखा, और आईबी को क्या लिख दिया, आईसी अपॉन बीटा लिख दिया, सही है, समझ में आ रहा है। अब इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, तो क्या आ गया, ये क्या आ गया, आईसी बाय अल्फा आईसी इंटू बीटा प्लस वन अपॉन बीटा आ गया। अब इसी को रीअरेंज करो तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तुम्हारा बीटा अपॉन बीटा प्लस वन, आया समझ में, ठीक है। अल्फा विल बी बीटा अपॉन बीटा प्लस वन, समझ में ना। तो बीटा तो मैंने बताया था टिपिकली 20 से 200 के बीच में होगा, तो फिर ये दिख रहा है ना, अगर 20 होगा तो 20 अपॉन 21 वेरी क्लोज टू 1 है, या फिर 200 अपॉन 201 टाइप का। और इसी को फिर से रीअरेंज करके बीटा को अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होगा, राइट। तो इसके ऊपर कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अल्फा इतना है तो बीटा कितना होगा, डेफिनेशन क्लियर है तो कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है सभी को। अल्फा ऑफ अ ट्रांजिस्टर समझ में आया, रिलेशन विद बीटा भी समझ में आया। इसके बाद एक टर्म और है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर कंडक्टेंस या ट्रांसकंडक्टेंस ट्रांजिस्टर का। अब ये जो टर्म है एनसीईआरटी ने कहीं पे भी यूज नहीं किया है, बहुत पुराने टाइम में जेई का एक क्वेश्चन है जिसमें कहीं पे ये यूज किया हुआ ट्रांसकंडक्टेंस वर्ड, तो वो क्वेश्चन हर साल फंसता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बताई थी। एचसी वर्मा सर ने हालांकि डिफाइन किया ट्रांसकंडक्टेंस, तो जेई के रिसेंट ईयर में तो मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, बट पुराने ईयर में कभी एक क्वेश्चन था ट्रांसकंडक्टेंस। तो डेफिनेशन देख लो क्या है ट्रांसकंडक्टेंस की, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज, क्या डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी बी ई, ये ट्रांसकंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है। मतलब एक तरह से देख सकते हो आउटपुट करंट का चेंज और इनपुट साइड पे वोल्टेज का चेंज, एमिटर को इनपुट साइड अगर बोल दें तो आउटपुट करंट चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज चेंज, वो जो है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसकंडक्टेंस कहलाता है। बस ये डेफिनेशन मालूम है तो न्यूमेरिकल में इसको डायरेक्टली यूज कर पाओगे, ठीक है, इसको ट्रांसकंडक्टेंस बोलते हैं। तो समझ में आ गया, क्लियर है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस, ठीक। इसके बाद सर्किट सॉल्विंग के लिए, इनफैक्ट अभी तक जितनी भी कहानी पढ़ी है हमने वो सर्किट सॉल्विंग के लिए, उसको भूल भी जाओ तो तुम्हारा काम चल जाएगा। मतलब मैं चाहता तो खाली सर्किट सॉल्विंग की अगर मैं सिखानी होती तो मैं यहाँ से भी अपना पूरा लेक्चर स्टार्ट कर सकता था। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा तुमको डीसी मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का डीसी मॉडल एक बार बना लिया उसके बाद तो बिल्कुल जैसे किरचॉफ लॉ लगाते हो वैसे किरचॉफ लॉ लगा लगा के ट्रांजिस्टर के भी सारे सर्किट सॉल्व कर पाएंगे, जैसे डायोड के सर्किट सॉल्व किए थे। तो क्या करना है ट्रांजिस्टर सर्किट्स में वो अभी ध्यान से समझो। तो तुमको पता है बेस एमिटर जंक्शन पे जो कैरेक्टरिस्टिक था क्या था, पॉइंट्स आइडियलाइज्ड अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो 0.7 वोल्ट से कम पे कुछ भी करंट नहीं है, और उसके बाद फिर वर्टिकल जैसा करंट है जैसे डायोड का, ठीक है। तो इसी तरह तो यहां पर भी क्या करते हैं, बिल्कुल डायोड की ही तरह यहां पे क्या मानते हैं, यहां पे वीबीई की वैल्यू जब ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में, तो वीबीई की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0.7 वोल्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो दिस इज इक्वालेंट टू दिस, तो यहां से जैसे बेस करंट आ रहा है, बेस करंट आ रहा है, बेस एमिटर जंक्शन पे कितना वोल्टेज ले लेना है, बैटरी ले लेनी है कितनी, वीबीई की, वीबीई कितना है 0.7 वोल्ट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, इसको हमेशा क्या लेना है 0.7 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो ये बेस करंट है, यहाँ पे क्या करना है, हमेशा जिस तरफ बेस करंट है बेस करंट के अगेंस्ट रहेगी बैटरी, ध्यान रखना, ठीक है। ये कैसे लगेगी बैटरी, हमेशा जिस तरफ एमिटर का एरो आ रहा है उसके अगेंस्ट मानना है इसको, समझ में आई बात की नहीं, प्लीज रिमेंबर बैटरी किधर लगेगी, एमिटर के एरो के अगेंस्ट ये बैटरी, इट विल ट्राई टू अपोज दिस करंट, राइट। तो ये कितना, कितनी बैटरी लगानी है मुझे, ये लगानी है मुझे 0.7 वोल्ट की बैटरी लगानी है, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, राइट। और क्या करना है, मुझे पता है जो भी बेस करंट होगा तो कलेक्टर के अंदर जो करंट होगा वो बीटा टाइम्स करंट हो जाएगा उसका, इज इट नॉट। तो क्या कह सकते हैं, कलेक्टर करंट को हम कह सकते हैं ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, राइट, यानी इधर जितना भी आएगा उसका बीटा से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा। एक बार ये दो चीजें हमने बना दी उसके बाद किसी भी सर्किट में नॉर्मल किरचॉफ लॉ लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कलेक्टर करंट को हमेशा क्या करेंगे, बीटा आईबी तरह से लिख सकते हैं। तो एक नया वेरिएबल चाहो तो ना इंट्रोड्यूस करो, आईबी के टर्म्स में हम काम कर सकते हैं। उसके बाद लूप लॉ एज यूजुअल जैसे लगाते हैं वैसे ही लूप लॉ लगा के हम काम कर सकते हैं। फिर टर्मिनोलॉजी क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये टर्मिनोलॉजी दिखा रखे हैं। तो ये हमारा क्या, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये उसका डीसी मॉडल है।
पीएनपी का बिल्कुल वैसे ही डीसी मॉडल बन जाएगा, बस फर्क क्या होगा यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, बेस करंट सारे करंट्स रिवर्स हो जाएंगे और बैटरी की पोलैरिटी भी इसकी रिवर्स हो जाएगी, समझ गए। एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, बैटरी किधर लगानी है, जिस तरफ एमिटर का एरो दिख रहा है एमिटर के एरो के अगेंस्ट लगानी है बैटरी, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पे जैसे बेस करंट जा रहा है एमिटर की तरफ तो बैटरी जो है उल्टी तरफ लगी हुई है, इस करंट को अपोज कर, क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो अच्छा टर्मिनोलॉजी उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे देखो वोल्टेजेस का मतलब सीधे सीधे जब VCE लिखते हैं तो कलेक्टर से एमिटर की वोल्टेज की बात होती है, VCB लिखते हैं तो ये वोल्टेज की बात होती है, VBE लिखते हैं तो ये वाली वोल्टेज की बात होती है, बेस एमिटर, समझ गए। तो ये इंट्यूटिव है टर्मिनोलॉजी जो है हमारा, ठीक है। तो समझ में आया ना डीसी मॉडल कैसे बनाना है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, रिकॉल दैट इन एक्टिव स्टेट द एमिटर बेस जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑलमोस्ट लाइक अ फॉरवर्ड बायस डायोड, सो जस्ट लाइक अ सिलिकॉन डायोड वी कैन मॉडल इट लाइक अ बैटरी ऑफ 0.7 वोल्ट्स अगेंस्ट द एमिटर एरो, एमिटर एरो के अगेंस्ट 0.7 वोल्ट की बैटरी लगा देनी, ओके, ठीक है, दैट इज द करंट फ्लो के अगेंस्ट, ठीक है। एमिटर एरो इन सीरीज विद एन आइडियल डायोड, तो ये इस सीरीज गलती से लिखा, इन सीरीज होना चाहिए, दिस शुड बी इन सीरीज विद एन आइडियल डायोड, ओके। Also, in active state, the collector current maintains a constant ratio with the base current. Collector current हमेशा beta times होगा base current का. So, collector current can be simply represented by a dependent current source. Dependent current source क्या होता है? जो एक जगह के current पे दूसरे का current depend कर रहा है. तो, collector is a dependent current source. Beta IB का current source लगा देंगे. तो, current beta IB जो figure में दिखाया होगा. With these two simplifications of introducing equivalent battery and a dependent current source, we can solve just about every transistor circuit. बस इतनी सी information से सारे transistor circuit solve कर पाओगे. तो सिर्फ अगर circuit solving सिखानी होती तो बस ये बात करके मैं सीधे circuit solve करवा सकता था, ठीक है। पहले करवाता भी था क्योंकि बच्चों को transistor से बहुत डर लगता था, ठीक है, पहले मुझको भी डर लगता था, ठीक है। तो अभी समझ में आया ना क्या simplification करना है, इसके बाद फिर circuit solving हम लोग देखेंगे how to solve the circuits. Actually होता क्या, किसी चीज से डर लगता है तो पहले एक दो चीज जिसमें आराम से सक्सेस मिल जाती है वो करने के बाद फिर मन लगने लगता है, ठीक है नहीं, और शुरू शुरू में अगर फेलियर मिल जाता है तो फिर काम करने का मन नहीं करता, तो ये एक साइकोलॉजी होती है। तो इसलिए ऐसा काम कि पहले बच्चों को ट्रांजिस्टर का मैं बता देता सिंप्लीफिकेशन, जैसे सर्किट सॉल्व कर लिया तो फिर ट्रांजिस्टर डर लगना बंद हो जाता है, ठीक है ठीक है, अरे न्यूमेरिकल तो हो गया मेरे से, ठीक है, इस तरह की बात है, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने के बाद थोड़ा सा और फीलिंग आ जाएगी, अच्छा ये तो अपना दोस्ती है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर होते थे वैसे ट्रांजिस्टर है। तो अभी देखते हैं कैसे सर्किट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखो जरा एग्जांपल देखते हैं। तो फाइंड आईबी आईसी एंड वीओ इन द शोन ट्रांजिस्टर सर्किट गिवन बीटा इज इक्वल टू 50 एंड द ऑपरेशन इज इन एक्टिव मोड। तो यहां पे देखो क्या है, ये ट्रांजिस्टर सर्किट बनाया हुआ हमने, यहां पे 100 ओम का रेजिस्टर लगाया हुआ है, यहां पे 200 किलो ओम का रेजिस्टर लगाया हुआ, और इसको कैसे ट्रीट करना है, जैसे कि यहां पे 0.7 वोल्ट की बैटरी लगी, राइट। अभी क्या करोगे, इस लूप के अंदर किरचॉफ लॉ लगा दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आईबी अगर है तो 200 किलो ओम इंटू आईबी, या फिर आईबी की यूनिट सीधे मिली एम्पियर मान लो या माइक्रो एम्पियर मान लो, तो देख लो यूनिट्स को, ठीक है। तो 200 किलो ओम इंटू आईबी, फिर यहाँ पे क्या रखोगे प्लस 0.7 वोल्ट और फिर -4 इज इक्वल टू 0, दिख रहा है इस लूप की इक्वेशन, लूप लॉ दिख रहा है। तो इससे सीधे सीधे सॉल्व करके इमीडिएटली तुम्हारे पास आईबी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आईबी की वैल्यू आ गई उसके बाद फिर क्या करोगे, अभी ये आईबी है तो ये बीटा टाइम्स आईबी है, बीटा 50 दे रखा है, तो कलेक्टर करंट मिल गया, कलेक्टर करंट मिल गया तो आउटपुट वोल्टेज तो VCE है मेरा, तो VCE क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC कर देंगे तो VCE की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में नहीं कैसे करना है, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया तो फिर इसको मैं चाह रहा हूँ कि अपने आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। सो ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ नाउ, समझ में है ना क्या अप्रोच लगानी है, इनपुट लूप के ऊपर किरचॉफ लॉ लगाना है, यहाँ पे 0.7 की बैटरी लेते हुए आईबी सॉल्व होगा, आईबी सॉल्व हो गया तो उससे आईसी मिलेगा, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का टोटल ड्रॉप क्या हो जाएगा तुम्हारा, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, क्योंकि यहाँ पे जाओगे तो ये कितना ड्रॉप होगा, माइनस आईसीआरसी एंड प्लस वीसीसी, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल ड्रॉप क्या हो जाएगा, माइनस आईसीआरसी, इसको मैं आरसी बोल रहा हूँ और इसको मैं आरबी बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे, सिंपली है कर देते हैं डिस्कस। तो बस क्या करना है, यहाँ पे बैटरी ही तो लगानी, उसके बाद तो नॉर्मली है सर्किट, बल्कि सिंपल सा सीरीज सर्किट है, इतना सिंपल लूप है, इज इट नॉट, बैटरी लगानी है। क्या लिखा, रिकॉल दैट बेस एमिटर जंक्शन बिहेव्स लाइक अ 0.7 वोल्ट बैटरी अगेंस्ट द एमिटर, ठीक है, एमिटर के एरो के अगेंस्ट बैटरी लगाई थी जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है, एंड आइडियल डायोड, उसके बाद फिर बैटरी लगाने का आइडियल डायोड जैसे, जस्ट अप्लाइंग KVL टू द इनपुट लूप। तो क्या लिखा, 200 × 10 to the power 3 × IB
प्लस 0.7 वोल्ट एंड माइनस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 0, सारे ड्रॉप्स को ऐड किया, 0 से एक्सपेक्ट किया, इससे बेस करंट आ गया 16.5 माइक्रोएम्पियर, राइट। उसके बाद क्या किया, अभी आउटपुट लूप लूप में क्या है, यहाँ पे बीटा 50 दिया, तो क्या लिखा मैंने 50 × 16, तो कलेक्टर करंट क्या होगा 50 × 16.5, दैट इज 0.825 मिली एम्पियर आ गया। अब क्या करना है, अब डीसीसी माइनस आईसीआर से हो जाएगा, या फिर लूप लॉ लिखते हैं तो 100 × आईसी प्लस वी नॉट एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0, समझ गए, इधर लूप लॉ लगा दिया, तो इससे वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 6 − 100 IC, ये वही है VCC माइनस ICR की हो रही है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये 5.9175 वोल्ट आ जाता है, ठीक है, वी नॉट और VC एक ही है यहाँ पे, तो ये इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आना कैसे सॉल्व करना है ट्रांसफर सर्किट, क्लियर है सभी को, ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चले, ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक बार सर्किट हमने ट्रांजिस्टर का डीसी मॉडल बना लिया, उसके बाद जितनी थ्योरम्स हमने पढ़ी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मिलमैन थ्योरम है ना, थेवेनिन थ्योरम और जो भी थ्योरम्स पढ़ी, सुपरपोजिशन, वो सब कुछ लगा सकते हो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, वंस यू हैव मेड द डीसी मॉडल इट इज नाउ तुम्हारे पास बहुत फ्री हिट मिल जाएगा आराम से, बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अभी ये वाला सर्किट है, ध्यान से देखेंगे ये वाला सर्किट हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं, या तो देखो इस लूप में लूप लॉ लगाओ, इस लूप में लूप लॉ लगाओ, इस लूप में लूप लॉ लगाओ, ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, या फिर क्या कर सकते हो, इस पूरे को थेवेनाइज कर दो ना, मान लो यहाँ पे खूब बड़ा सा नेटवर्क लगा है और कोई ट्रांजिस्टर वगैरह वहां पे नहीं दिख रहा है, उसको पूरे को थेवेनाइज करके आगे सिंगल बैटरी सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करके भी तो काम कर सकते हैं। तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए मैं थेवेनिन वाली अप्रोच यूज करूंगा, तुम लोग बाद में चाहो तो तीन लूप बना के भी कर सकते हो, ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो क्वेश्चन क्या है, इन द शोन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सर्किट बीटा इज 150, इसका बीटा दे रखा है 150, बीटा मतलब कलेक्टर करंट टू बेस करंट, ठीक है, वो दिया 150 और वी बी दे रखा है 0.7 वोल्ट, तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट की बैटरी जैसा ज़ूम करना है, और क्या पूछा है वी नॉट की वैल्यू, यानी यहाँ पे वापस वी सी की वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर देखो इतने पार्ट को थेवेनाइज कर दूंगा, तो क्या करोगे, थेवेनाइज बोल दो या मिलमैन बोल दो, तो यहाँ पे याद है सबको मिलमैन में इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होती है, E1/R1 E2/R2 1/R1 1/R2, तो इस तो करके इसका जी बैटरी बनेगा, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो 1/R1 1/R2 का रेसिप्रोकल, राइट, बैटरी को शॉर्ट करके जैसे करते हो तो 1/200 + 1/100 पोल का रेसिप्रोकल, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, समझ में आई बात करी, तो उसके बाद तुम्हारे पास कुछ इफेक्टिव बैटरी और इफेक्टिव ये आ जाएगा, क्या कहते हैं, उसके बाद तो फिर पिछले जैसे सर्किट दिखेगा, ठीक है कि नहीं, एक बार इसको सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, तो उसके बाद तो ये सर्किट पीछे वाले सर्किट जैसा बन जाएगा, ठीक है, तो थोड़ी देर ट्राई करो, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ नाउ, ठीक है, डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है, वापस जैसे मैंने बताया था, इसको मैंने थेवेनाइज कर दिया, चल का हेयर देयर आर थ्री लूप्स, सो आइदर वी कैन डायरेक्टली अप्लाई केवीएल टू द थ्री लूप्स, तीनों लूप में केवीएल लगा दो, और ऑल्टरनेटिवली वी कुड थेवेनाइज 2 V 100 kΩ इस वाले पार्ट को थेवेनाइज कर सकते हैं, बैटरी ब्रांच विद 200 kΩ इन पैरेलल एंड देन वर्क विद द टू लूप्स, तो ये इजियर रहेगा। इफेक्टिव मिलमैन बैटरी क्या हो जाएगी, 2/100 + 0/200 / 1/100 + 1/200, समझ में आ रहा है, पैरेलल में दो बैटरी का इफेक्टिव बना दिया, तो यहाँ पे तो 0 V की बैटरी लगी है, तो मिलमैन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना आ गया 4/3 V आ गया, और आर इफेक्टिव भी इसी तरह से निकाल सकते हो, 100 × 200 / 100 + 200, तो ये 200/3 kΩ आ गया, तो अब इफेक्टिव सर्किट क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब इसके बाद तो ये लूप लॉ और ये लूप लॉ जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था बिल्कुल सेम वैसे ही लगा दिया, तो लेफ्ट लूप में अगर मैंने लूप लॉ लगाया तो क्या आ गया 200 kΩ × IB / 200/3 kΩ × IB, ठीक है, और प्लस VB यानी 0.7 V एंड −4/3 = 0, इसको सॉल्व करते तो IB की वैल्यू आ जाएगी 9.5 μA, राइट, वंस यू नो IB, अब इसको क्या करना है, अब इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो IC आ गया, IC आ गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, VCC − ICRC, राइट, तो वही किया, तो IC आ गया मेरा 150 से मल्टीप्लाई करते तो 1.425 मिली एम्पियर आ गया, राइट। अब KVL राइट लूप में लगा दो, अब KVL क्या, बार बार KVL क्या, मुझे याद ही हो गया VCC − ICRC होता है वो हमेशा भी आउटपुट, ठीक है, चाहो तो KVL लगा के एक्सप्रेस करो, नहीं तो अब कितनी बार बोल चुका हूँ ये टर्म VCC − ICRC, तो समझ गए ना, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज वही हो जाएगा, खैर चलो अभी कोई बात नहीं, KVL बोल देता हूँ, 1.425 मिली एम्पियर है, ठीक है, इंटू 1 kΩ और प्लस V0 एंड −16 = 0, इसका सॉल्व करके V0 की वैल्यू आ गई 14.575 V, ठीक है, तो इसको अभी तुम लोग बाद में घर पे इसको नॉर्मल तीन लूप से भी सॉल्व करना, ठीक है, तो समझ में आया ना, तो सिंपल ही है ना ट्रांजिस्टर सर्किट सॉल्व करना, तो मुश्किल तो नहीं है, डायरेक्ट ही है ना, डरने वाली कोई बात नहीं, तो ट्रांजिस्टर जो ऐसे घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है।
एक्चुअली एनसीईआरटी में ट्रांजिस्टर जिस तरह से लिखा हुआ है ना, उससे लोगों को डर हो जाता है ट्रांजिस्टर का, कुछ समझ नहीं आता है। एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली ये ट्रांजिस्टर्स वाला सेक्शन ऐसा है, अगर किसी को सीखना है कि किसी किताब को कैसे नहीं लिखना चाहिए, तो यू शुड रीड द ट्रांजिस्टर सेक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है नहीं, इट्स हॉरिबली रिटन एनसीईआरटी में ट्रांजिस्टर का जो चैप्टर, आई मीन डायोड्स पार्ट इज स्टिल फाइन, बट ट्रांजिस्टर पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा, डर लग जाएगा कि अरे बाप रे पता नहीं क्या चीज है। तो ठीक है, सिंपल सी चीज है, ट्रांजिस्टर कोई खतरनाक चीज नहीं है, आराम से समझ में आने वाली बात है। ठीक है, अभी तक सारी बात समझ में आ रही है ना सभी को? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अंदर फिगर थी 14.30 भी, वो मैंने यहाँ पे दोबारा से रिप्रोड्यूस कर दिए। क्या क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 14.8 फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक शोन इन दिस फिगर, ये फिगर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा ए सी बीटा डी सी ऑफ द ट्रांजिस्टर व्हेन वी सी इज 10 वोल्ट एंड आई सी इज 4 मिली एम्पियर। तो हमें वी सी क्या दे रखा है, वी सी ई की वैल्यू 10 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो वी सी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी इधर कहीं हम लोग बात कर रहे हैं। और क्या चाहिए हमको, आई सी 4 मिली एम्पियर चाहिए। तो आई सी 4 मिली एम्पियर यानी इस वाली लाइन के आसपास हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर खुद से ट्राई करो, क्या क्या निकालना है मुझे, बीटा ए सी और बीटा डी सी निकालना है, खुद से ट्राई करो एक बार। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो बड़ी दुविधा होती है, और अनफॉर्चुनेटली इसी तरह के डेटा के साथ जेई मेन में भी क्वेश्चन आ चुका है, जहां पे तुम लोगों को अंदाजा लगाना पड़ता है। ये ग्राफ बीच में लगा दिया तो ये क्या लें, अब इसको ये वैल्यू क्या ली जाए, यानी यहाँ पे तो ये 4 से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, इधर 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें एस्टिमेट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, जेई मेन में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। फायदे से तो अगर इस क्वेश्चन को ढंग से पूछना है तो माइनर लाइंस भी ड्रॉ करनी चाहिए ग्राफ में, इन्होंने खाली मेजर लाइंस ड्रॉ किए, माइनर लाइंस होनी चाहिए। बट नहीं दिया है तो फिर एस्टिमेट लगाओ। तो एस्टिमेट लगा के अगर तुम देखोगे ये 4 है, ये 6 है, तो ये 5 है करीब, राइट? ये 5 है, तो ये लाइन जो जा रही है 5 और 4 के बाइसेक्टर के आसपास जा रही है, तो इसको 4.5 ले सकते हो। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो इसको इधर जो है 4.5 ले सकते हो। अभी इसी तरह से तुम्हें एक और लाइन इस तरह से गैस करनी पड़ेगी, समझ गए? तो कोशिश करो, थोड़ा एस्टिमेट लगाने की कोशिश करो। जेई मेन में एक्चुअल में इस तरह का ग्राफ आ चुका है। ठीक है, तो अभी खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद फिर डिस्कस करता हूँ, ट्राई करो। ठीक है, मैं इसको अभी समझा रहा हूँ, सब लोग ध्यान देने, मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा इसी में प्रॉब्लम आती है कि भाई क्या किया जाए, यहाँ पे ग्राफ तो प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, एग्जैक्ट नंबर कैसे, तो एस्टिमेट कैसे करना है। तो अभी क्या पूछा है हमें, देखो एक बार, मुझे क्या पता लगाना है, बीटा ए सी और बीटा डी सी पता लगाना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या होता है, बीटा ए सी की डेफिनेशन क्या होती है, बीटा ए सी की डेफिनेशन होती है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, राइट? तो किस करंट के आसपास मुझे चाहिए, मुझे 10 वोल्ट और 4 मिली एम्पियर के आसपास ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? तो 10 वोल्ट और 4 मिली एम्पियर, तो ये 10 वोल्ट है, ठीक है, और 4 मिली एम्पियर यानी इस जगह पे मेरे को प्लॉट करना है, तो समझ गए, 10 वोल्ट एंड 4 मिली एम्पियर, सो दिस इज द पॉइंट वेयर आई वॉन्ट, बट यहां से तो कोई ग्राफ ही नहीं जा रहा है। तो क्या करोगे, डेल्टा आई बी के लिए इसके ऊपर की लाइन और एक इसके नीचे की लाइन ले लेंगे, राइट? तो अगर 10 वोल्ट 4 मिली एम्पियर के आसपास अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना 30 माइक्रो एम्पियर है और यहाँ पे कितना 20 माइक्रो एम्पियर, तो इसके पास हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा आई भी कितना है 10 वोल्ट 4 मिली एम्पियर के आसपास, थोड़ा सा चेंज इन बेस करंट कितना हुआ, 30 माइक्रो एम्पियर माइनस 20 माइक्रो एम्पियर, दिस इज योर चेंज इन बेस करंट, राइट? समझ में आई बात करिए, तो वो कितना आ गया चेंज इन बेस करंट अराउंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट के आसपास, दैट इज 10 माइक्रो एम्पियर। डेल्टा आई भी मेरा कितना हो गया 10 माइक्रो एम्पियर। इसी के लिए मेरे को करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ क्या चाहिए, इसी के लिए करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मुझे डेल्टा आई सी चाहिए, राइट? तो जब बेस करंट मेरा 30 माइक्रो एम्पियर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई सी, यू टेक हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू एस्टिमेट दिस पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, ये 4 मिली एम्पियर है, तो ये जो है ये बीचों बीच में ये 5 मिली एम्पियर है, और ये लाइन जो है 4 और 5 के बीच में से जा रही है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ पे बेस करंट इस जगह, नॉट बेस करंट, बेस करंट 30 माइक्रो एम्पियर है, क्या मान सकते हैं आप, कलेक्टर करंट इज 4.5 मिली एम्पियर, इज इट मेकिंग सेंस? तो यहाँ पे कलेक्टर करंट हो गया 4.5 मिली एम्पियर। व्हाट अबाउट दिस लाइन, इधर से अगर हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करते हो तो तुम देख सकते हो 2 और 4 के बीचों बीच में करीब से जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग मेरा ये क्या हो गया, ये 3 मिली एम्पियर हो गया, राइट? 20 माइक्रो एम्पियर के लिए कलेक्टर करंट क्या हो गया, 3 मिली एम्पियर। सो व्हाट इज द चेंज इन कलेक्टर करंट, सो बेस करंट में तो 30 माइनस 20 था हमारा चेंज, ठीक है, और कलेक्टर करंट में कितना चेंज हुआ, वहां पे मेरा 4.5 है और यहाँ पे कितना है 3, तो 4.5 मिली एम्पियर माइनस 3 मिली एम्पियर। समझ में आया डेल्टा आई सी कितना, फॉर द सेम डेल्टा आई बी आई हैव कैलकुलेटेड नाउ डेल्टा आई सी, सो डेल्टा आई बी वाज योर 10 माइक्रो एम्पियर एंड डेल्टा आई सी इज 4.5 मिली एम्पियर माइनस 3 मिली एम्पियर, यानी 1.5 मिली एम्पियर। सो 1.5
1.5 मिली एम्पीयर डिवाइड बाय चेंज इन बेस करंट यानी 10 माइक्रो एम्पीयर दैट विल बिकम योर बीटा, राइट, बीटा इन एसी। तो वही काम किया, तो देखो क्या लिखा, हाँ, तो बीटा एसी क्या, डेल्टा एसी बाय डेल्टा आईसी और बीटा डीसी का आईसी अपॉन आईबी, राइट। तो फॉर डिटरमिनिंग बीटा एसी एंड बीटा डीसी फॉर स्टेटेड वैल्यू वन कैन प्रोसीड एज फॉलोज, कंसीडर एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर टू वैल्यूज ऑफ आईबी व्हिच लाई अबव एंड बिलो द वैल्यू ऑफ गिवन आईसी। इसके एक ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक देख ली, एक नीचे वाली कैरेक्टरिस्टिक देख ली, ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक के लिए आईसी और आईबी देख लिए, नीचे वाली कैरेक्टरिस्टिक के लिए आईसी और आईबी देख लिए उसी वोल्टेज के लिए, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, देखो हेयर आईसी इज 4 मिली एम्पीयर, तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी चूज कर ली, आईबी इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पीयर एंड 20 माइक्रो एम्पीयर, समझ में आ रहा है ना, कौन से किए जो अभी मैंने दिखाए थे। वीसी 10 वोल्ट लिया, तो ये दोनों से आईसी की वैल्यू रीड करते हैं, तो डेल्टा आईबी तो मेरा 30 माइनस 20 माइक्रो एम्पीयर हुआ और आईसी मेरा 4.5 माइनस 3 मिली एम्पीयर, वही जो मैंने बताया था। तो ये क्या आ गया 1.5 मिली एम्पीयर और ये क्या आ गया 10 माइक्रो एम्पीयर, रेशियो लिया तो कितना आ गया इसका बीटा 50 आ गया। समझ में आया सभी को बीटा एसी कैसे निकाला, ठीक है। अब बीटा डीसी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ आईबी करस्पॉन्डिंग टू 4 मिली एम्पीयर देख लेते हैं, वीसी इक्वल टू 10 वोल्ट पे, तो कैलकुलेट द टू वैल्यूज ऑफ बीटा डीसी फॉर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स चोजन। तो इसके पास में दो कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं, यानी बीटा डीसी अगर तुम्हें निकालना है तो फॉर एग्जाम्पल 4 मिली एम्पीयर के पास देख रहे हैं, तो 4 मिली एम्पीयर इधर देख रहे हैं, तो क्या करो, एक ऊपर वाले कैरेक्टरिस्टिक के लिए निकाल दो बीटा डीसी, एक नीचे वाले कैरेक्टरिस्टिक के लिए बीटा डीसी निकाल दो, फिर दोनों का एवरेज ले लो, एवरेज इसलिए फॉर गेटिंग बेटर एक्यूरेसी, राइट। तो यहाँ पे कितना है बीटा डीसी तुम्हारा 10 वोल्ट था, तो यहाँ पे देखो तो 30 माइक्रो एम्पीयर पे ये कितना था हमारा 4.5 था, राइट, तो इधर कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 30, समझ में आया कि नहीं, 4.5 मिली एम्पीयर डिवाइडेड बाय 30 माइक्रो एम्पीयर, तो वो इधर का बीटा डीसी हो गया, और इसके नीचे वाले में क्या हो जाएगा दैट वॉज 3 मिली एम्पीयर डिवाइडेड बाय 20 माइक्रो एम्पीयर, वो इधर का बीटा डीसी हो जाएगा, इन दोनों बीटा डीसी का एवरेज ले लो तो वो तुम्हारा ओवरऑल बीटा डीसी बन जाएगा। समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना ये क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है, मतलब काफी मिलता जुलता सा था, बस डेटा अलग रहा होगा, ग्राफ शायद सेम नहीं था, बट ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हुआ, बीटा डीसी 4.5 मिली एम्पीयर पे निकाला और बीटा डीसी 3 मिली एम्पीयर पे निकाला, तो दोनों केसेस में जो है 150 आ रहा है, तो उनका एवरेज ले लिया तो एवरेज भी 150 आ गया, इस केस में हमारा बीटा एसी भी 150 आ गया और बीटा डीसी भी 150 आ गया, ठीक है। तो समझ में आया ना, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, मेक श्योर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस वन, जेई मेन का एक्चुअल क्वेश्चन ही कह सकते हैं, मतलब इस तरह का आ चुका, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और सर्किट सॉल्विंग का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कई बार अभी इस तरह से अभी ट्रांजिस्टर को देखने की आदत बना लो, जैसे डायोड सर्किट में हम पूरा पूरा बैटरी नहीं बना रहे थे ना, कहीं पे अर्थ दिखा रहे थे फिर कुछ कुछ वोल्टेजेस लिखते रहे थे, तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे अगर ऐसे बनाया हुआ है मैंने सर्किट, इसका मतलब क्या है, ये बैटरी लगी हुई है ऐसे, ठीक है, दिखा नहीं रखी बट ये बैटरी लगी हुई है, तो ये क्या है कॉमन एमिटर में, ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का एक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस कॉमन एमिटर सर्किट, यहाँ पे वीसी, यहाँ पे बैटरी 10 वोल्ट की लगा रखी है और यहाँ पे बैटरी कितनी लगा रखी है, वी इनपुट भी मुझे बता रखा होगा कहीं, देखो क्या लिख रखा है, वीबी को जीरो लेना, क्या लिखा, द शोन सर्किट व्हेन द इनपुट वोल्टेज ऑफ बेस रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट, यहाँ पे जब बेस, यहाँ पे 10 वोल्ट जब लगाया तुमने तो क्या बोल रहे हैं, बेस एमिटर वोल्टेज की वैल्यू जीरो आ गई और वीसी भी मेरा जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, ठीक है। क्या पूछा है, इस टाइम पे आईबी आईसी और बीटा की वैल्यू निकालनी, समझ गए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अभी ध्यान रखना वीबी जीरो दिया हुआ, ठीक है, और वीसी भी जीरो दिया हुआ, खुद से अभी ट्राई करो इसको, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल ट्रांजिस्टर सर्किट जैसा ही है, डेटा जो दिया उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बैटरी लगी है, तो अब इनपुट लूप के लिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा, तो आईबी आरबी और ये तो जीरो दे रखा है, यहाँ पे वीबी ध्यान रखना 0.7 ऐसे मत ले लेना, दिया हुआ क्वेश्चन में ये जीरो लेना, ठीक है, तो ये जीरो, तो यहाँ पे माइनस वी आई इक्वल टू जीरो, तो आई बी आर बी माइनस वी आई इक्वल टू जीरो, तो इससे आई बी क्या आएगा, वी आई बाय जो भी है रेजिस्टेंस, और वी आई की वैल्यू 10 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। देखो इनपुट वोल्टेज ऑफ द बेस रेजिस्टेंस 10 वोल्ट दिया हुआ, तो 10, तो ये कितना आ गया, बेस करंट आ गया 25 माइक्रो एम्पीयर, राइट। अब क्या है, अब यहाँ पे ये 10 वोल्ट की बैटरी इमेजिन कर सकते हो, वीसीसी लगा हुआ, ठीक है, और ये पोटेंशियल ड्रॉप भी जीरो दिया हुआ हमको, तो अब इस लूप के अंदर भी करंट निकालना आसान है, तो कलेक्टर करंट निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई बीटा दिया नहीं है लेकिन बीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर करंट निकालेंगे तो सफिशियंट इन्फॉर्मेशन दे रखी, वीसी की वैल्यू मुझे दे रखी है। तो क्या किया मैंने, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, अब इधर ये जो आउटपुट लूप है इसके अंदर मैंने अभी किरचॉफ लॉ लगा दिया, क्या आ जाएगा 3 किलो ओम इंटू आईसी, ठीक है, प्लस वीसीई माइनस 10 इक्वल टू जीरो, बट वीसीई तो मेरा जीरो है, इसका यूज करके आईसी की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो आईसी 3.33 मिली एम्पीयर आ गया, आईसी आ गया और आईबी आ गया, अब इनका रेशियो जो है वो मेरे को बीटा दे देगा, तो बीटा मेरा कितना आ गया 133, क्लियर है सभी को, आया समझ में, ठीक है, आगे बढ़े।
इसके बाद ये एक्चुअल क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का, क्या पूछा है यहाँ पे, इस सर्किट के अंदर क्या दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू 250 दी हुई है, ठीक है, और कलेक्टर साइड की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 किलो ओम, और वीसीसी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, ये 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, और क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम करंट फॉर वीसीई टू रीच सैचुरेशन, मैं क्या चाहता हूँ ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाए, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, याद करो मैंने कल बताया था सैचुरेशन क्या होता है, वीसीई जब जीरो हो जाती है, तो तुम्हें पता है आईसी जो होगा वो बीटा टाइम्स आईबी होगा, और वीसीसी माइनस आईसीआरसी को जीरो करना है, तो उसके हिसाब से आईबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, खुद से ट्राई करो, उसके बाद डिस्कस करेंगे, लेट मी नो। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे बस सैचुरेशन का मीनिंग पता है तो खत्म, सैचुरेशन का मीनिंग क्या होता है, वीसीई की वैल्यू जीरो, यानी वीसीसी माइनस आईसीआरसी को जीरो करना है, तो वही देखो वीसी क्या होता है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, सैचुरेशन के लिए वीसी को जीरो किया और आईसी को क्या लिख दिया, बीटा आईबी, तो क्या हो गया मेरा वीसीसी माइनस बीटा आईबी आरसी इज इक्वल टू जीरो, तो आईबी क्या गया वीसीसी अपॉन बीटा आरसी, अब बस वैल्यूज डाल दो, तो वीसीसी की वैल्यू क्या दे रखी है तुमको, वीसीसी की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, और बीटा दे रखा 250 और आरसी दे रखा 1 किलो, वैल्यू डाल दो, तो बेस करंट की कितनी वैल्यू आ गई 40 माइक्रो एम्पियर में ये जो हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ में आया कैसे कर, आगे बढ़े। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर से हमने काफी पहले देखा था एंड गेट और गेट कैसे बनते हैं, ठीक है, वो दोबारा फिर से आएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉट गेट, नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट उल्टा कर देता है, यानी जब इनपुट हाई होता है तो आउटपुट लो हो जाता है, और इनपुट लो होता है तो आउटपुट हाई हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं नॉट गेट। ट्रांजिस्टर से हम वो कैसे रियलाइज कर सकते हैं, तो वो अभी ध्यान से समझो, सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे दिस इज द सर्किट, आई वॉन्ट एवरीबडी अटेंशन, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात, दिस इज योर सर्किट, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है, दिस आउटपुट वोल्टेज इज गोइंग टू बी हाउ मच, इस सर्किट के हिसाब से देख सकते हो कि आउटपुट इज गोइंग टू बी, वी आउटपुट इज गोइंग टू बी वीसीसी माइनस आईसीआरसी, राइट, यही होगा ना आउटपुट वोल्टेज, अब सोचो और इनपुट वोल्टेज ये है, तो वेन इनपुट इज हाई, जब इनपुट हाई है, इनपुट क्या है, बेस एमिटर जंक्शन की बायसिंग बैटरी है, इज इट नॉट, ये वीवीबी जो लगा रखा है यही तो इनपुट वोल्टेज है, जब मेरा इनपुट हाई है, जब इनपुट हाई है इसका मतलब क्या है, एमिटर अच्छे से करंट भेज रहा होगा, एमिटर अच्छे से करंट भेज रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो सकता है अगर बहुत ज्यादा करंट आ गया तो, अगर ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो गया तो इसका मतलब क्या है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी क्या, जब यहाँ पे तुमने हाई इनपुट लगा रखी है तो यहाँ पे लो आउटपुट हो जाएगी, समझ में आई बात करी, व्हेन एमिटर इज एमिटिंग नाइसली आईसी इज वेरी लार्ज, इफ आईसी इज वेरी लार्ज आउटपुट वोल्टेज इज वीसीसी माइनस आईसीआरसी, दैट विल बिकम लो, समझ गए, सैचुरेशन में चला जाएगा, जब इनपुट हाई है तो आउटपुट में सैचुरेशन की वजह से आउटपुट वोल्टेज मेरी जीरो हो जाएगी, समझ में आया। अब क्या है, जब इनपुट लो है, जब इनपुट लो है तो एमिटर एमिट ही नहीं कर रहा, एमिटर एमिट ही नहीं कर रहा तो फिर कलेक्टर में कुछ पहुंच ही नहीं रहा, कलेक्टर में कुछ पहुंच नहीं रहा तो कलेक्टर करंट जीरो है, कलेक्टर करंट जीरो है यानी वीसीसी माइनस आईसीआरसी तो क्या होगा, वीसीसी होगा, तो इसका मतलब क्या, जब इनपुट मेरा लो है तो आउटपुट मेरा हाई है, तो समझ गए, तो ये लॉजिक डिवाइस क्या कर रहा है, लो इनपुट के लिए हाई आउटपुट जनरेट करा और हाई इनपुट के लिए लो आउटपुट जनरेट करा, इस तरह की डिवाइस को क्या कहते हैं, नॉट गेट बोलते हैं या फिर स्विच बोलते हैं, स्विच मेरे हिसाब से इंट्यूटिव है, स्विच इट इज स्विचिंग द वैल्यू, वन इज स्विच टू जीरो एंड जीरो इज स्विच टू वन, इट इज स्विचिंग द लॉजिक वैल्यू, समझ गए, दैट्स इन दैट सेंस इट इज कॉल्ड अ स्विच, समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है स्विच, तो अभी इसको फॉर्मली पढ़ लेते हैं, क्या लिखा, द स्विच इज अ डिवाइस विच जनरेट्स अ हाई आउटपुट वोल्टेज फॉर अ लो इनपुट वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, this can be easily achieved by using a transistor circuit as shown in the figure, okay, the output voltage is given as V output is VCC minus ICRC, now when input voltage is very high, base emitter voltage is sufficient to produce a large base current and hence a large collector current, accordingly transistor goes into saturation, I hope समझ में आ गया होगा, पहले मैंने बताया था वही बात लिखी हुई है, ठीक है, high voltage है तो base current large है, collector current large है and transistor goes into saturation, the output voltage becomes low, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज बहुत हाई है तो आउटपुट वोल्टेज मेरा लो, ये ग्राफ दिख रहा है इनफैक्ट, ठीक है, ओके, एंड ऑल्सो व्हेन द इनपुट इज वेरी लो, जब इनपुट बहुत कम है, द एमिटर इज नॉट प्रॉपरली बायस्ड, दस लीडिंग टू अ नेग्लिजिबल कलेक्टर करंट, अकॉर्डिंगली वीसीसी माइनस आईसीआरसी की वैल्यू वीसीसी के बराबर है, प्लस करेस्पॉन्डिंग टू अ लो बायसिंग वोल्टेज ऑन द इनपुट साइड, आउटपुट वोल्टेज इज हाई बिकॉज ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन द कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में क्या है, आउटपुट वोल्टेज हाई है, जब सैचुरेशन रीजन में आउटपुट वोल्टेज मेरी जीरो, ठीक है, ओके, दस दिस ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन्स, इज कॉल्ड द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच या फिर नॉट गेट, तो ये जब यूज करते कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में इस तरह से यूज करते
इनपुट आउटपुट को स्विच करने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच या फिर ट्रांजिस्टर एज अ नॉट गेट, समझ में ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, ये जो रीजन है इसको किस लिए काम में लेते हैं, तो वो भी अभी देखेंगे आगे। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आउटपुट वोल्टेज मेरी मान लो ये वाली जो चीज है, ये मान लो 200 वोल्ट के ऑर्डर का लेटर से ये वाला जो हाइट है, और ये जो है मेरा 1 वोल्ट के ऑर्डर का, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर सम इंडस्ट, तो इसका मतलब कि ये जो रीजन है इसका स्लोप बहुत लार्ज हो जाएगा, देखिए दिस थिंग विल हैव अ वेरी लार्ज स्लोप। अगर इसका स्लोप बहुत लार्ज है तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इन इनपुट वोल्टेज विल लीड टू लार्ज फ्लक्चुएशन इन आउटपुट वोल्टेज, समझ में आ रही है बात की नहीं। अगर इसका इस पार्ट का अगर स्लोप बहुत लार्ज हो गया, ये क्या है, ये एक्टिव स्टेट का है, ये कट ऑफ रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर एक्टिव है, तो ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है तो जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज घट रहा होगा, ठीक है, जीरो से पहले। तो क्या होता है, टिपिकल ट्रांजिस्टर ऑपरेशन जब एक्टिव स्टेट में करते हो तो इसका स्लोप बहुत ही लार्ज होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करोगे तो यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में बहुत ज्यादा चेंज होगा। मान लो मेरे को अपनी आवाज को एम्पलीफाई करना लेटेस्ट से, तो मैं बोल रहा हूँ किसी माइक्रोफोन में, मेरा माइक्रोफोन जो है वो क्या करेगा, वोल्टेज सिग्नल जनरेट करेगा। तुम सबने देखा होगा MP3 फाइल्स को कई बार विजुलाइज करता कट 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 करके, देखा ऐसे ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे करके, सो दैट इज सिग्नल ग्राफ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको वोल्टेज के इक्विवेलेंट सिग्नल में उसने कन्वर्ट किया हुआ। या फिर इवन रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में तुमने देखा होगा जब तुम बोलते हो तो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके टाइम के साथ ग्राफ बनते जाता है, राइट, सो दैट इज योर इनपुट वोल्टेज। अब क्या है, उस वोल्टेज को तुम्हें एम्पलीफाई करना, तो क्या करोगे, यहाँ पे ये जो बेस बायसिंग बैटरी है इसके ऊपर यहाँ पे तोड़ के अपने माइक्रोफोन की वोल्टेज फर्दर सुपरपोज कर दो, समझ गए, तो यहाँ पे नेट इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी तुम्हारी, एक तो बायसिंग बैटरी की वोल्टेज और प्लस तुम्हारे माइक्रोफोन का जो वोल्टेज आ रहा है दैट यू सुपरपोज ऑन दिस, सो देन योर इनपुट वोल्टेज विल स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग ओवर एंड अबव द मीन बेस वोल्टेज, समझ में आ रही बात के लिए, तुम बोल रहे हो तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ पे किसी मीन बेस वोल्टेज के आसपास ऐसे ऐसे करके तुम्हारा कुछ तो फ्लक्चुएशन हो रहा है टाइम के साथ, तो जैसे जैसे यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है आउटपुट वोल्टेज में कुछ कुछ फ्लक्चुएशन चालू होगा, राइट, तो डिपेंडिंग ऑन इसका स्लोप कितना है, तो आउटपुट फ्लक्चुएशन कैन बी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द इनपुट फ्लक्चुएशन डिपेंडिंग ऑन इसका स्लोप कितना है, तो इस तरह से मेरा छोटा सा फ्लक्चुएटिंग सिग्नल कैन बी एम्पलीफाइड टू बड़ा सा ऑसिलेटिंग सिग्नल, और जो बड़ा सा ऑसिलेटिंग सिग्नल बन गया इसी को एम्पलीफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। बड़ा से ऑसिलेटिंग सिग्नल है, इसकी वोल्टेज को उठा के किसी स्पीकर में दे दो तो स्पीकर में जोर जोर से आवाज आएगी, तुम धीरे धीरे बोल रहे हो स्पीकर जोर जोर से बोलने लगेगा, तो दैट इज द एम्पलीफिकेशन प्रोसेस। इसका फॉर्मल डिस्क्रिप्शन आगे आने वाला, इस सेक्शन का पर्पस खैर स्विच ही था, बट शायद समझ में आएगा कुछ कि एक्टिव रीजन में ये एम्पलीफायर की तरह से कैसे वर्क कर सकता है, ऑल्दो फॉर्मली एम्पलीफायर का डिस्कशन अगले सेक्शन में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ऑल्दो सी दैट आउटपुट वर्सेज इनपुट ग्राफ इन द एक्टिव रीजन, यहाँ पे एक्टिव रीजन में जो है For sufficiently large values of RC, this curve will have a very large slope. इसकी value जो होगी, इसकी slope बहुत, अगर RC की value large रखोगे तो इसका slope बहुत large हो जाएगा, ठीक है। Thus, a small change in input voltage will bring about a large change in output. This forms the basis of using transistors and amplifier, about which we will study in a more detail in the next section. तो अभी मेरा purpose बस switch समझाने का था, amplifier detail में आने वाला, just उसका मैंने shadow दिया अभी, ठीक है। तो लेट मी नो इफ देयर इज एनी डिस्कशन इन द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ये सेक्शन पढ़ लो, कुछ डाउट है तो बोलो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, तो ये एम्पलीफायर की तरह से कैसे वर्क करता है वो अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया, ये इनपुट सिग्नल है, यहाँ पे एक तो मेरा बेस की बायसिंग बैटरी है, ठीक है, बेस की बायसिंग बैटरी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने माइक्रोफोन का सिग्नल सुपरपोज कर दिया, राइट, तो दिस इज योर इनपुट सिग्नल ओवर एंड अबव द बेस बायसिंग बैटरी, ये फ्लक्चुएट हो रहा है ऐसे ऐसे करके, तो हमारा आउटपुट सिग्नल जो होगा इसका एनलार्ज वर्जन होगा और पाई आउट ऑफ फेज होता है, ये यानी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है आउटपुट। वो क्यों होता है 180 डिग्री आउटपुट जो है वो मैथमेटिकली भी समझ में आएगा, बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है नेगेटिव स्लोप की लाइन है, तो इनपुट अगर बढ़ रहा है तो आउटपुट मेरा घट रहा है, और इनपुट घट रहा है तो आउटपुट बढ़ रहा है, तो इसलिए 180 डिग्री आउट ऑफ फेज इस स्लोप से भी देख सकते हो, बाकी अभी अलजेब्रा से भी दिख जाएगा। तो ये मेरा सर्किट है फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, स्टैंडर्ड सर्किट ही एक्चुअली एक तरह से, बस उसमें ये है कि माइक्रोफोन का इनपुट और मैंने सुपरपोज कर दिया बेस बैटरी पे, ठीक है। तो क्या लिखा, सपोज वी विश टू एम्पलीफाई एन ऑडियो सिग्नल कमिंग फ्रॉम अ माइक्रोफोन दैट इज इंक्रीज अ लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन टू अ हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन विच ड्राइव्स अ स्पीकर, इन द सर्किट शोन अबव कंसीडर VI एज अ वोल्टेज फ्लक्चुएशन जनरेटेड बाय अ माइक्रोफोन, तो ये VI जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन है माइक्रोफोन की, ठीक है, जिसको मैंने इसके ऊपर सुपरपोज किया, एंड V0 एज द वोल्टेज फ्लक्चुएशन जनरेटेड बाय द माइक्रोफोन, तो यहाँ पे ये जो है ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन, सॉरी आउटपुट होना चाहिए,
एंड वी नॉट एज द वोल्टेज यूज टू ड्राइव अ स्पीकर, ये वी नॉट जो है ये किसी स्पीकर को ड्राइव करने के लिए यूज करेंगे. ओके, वी विल शो दैट, शो हाउ वी नॉट विल बी एन एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ वी आई विद अ पाई शिफ्ट विद द गिवन सर्किट वर्किंग इन एक्टिव मोड. अब मैं दिखाने वाला हूँ कि ये एम्पलीफाइड वर्जन होगा और पाई शिफ्टेड होगा, वो कैसे दिखाऊंगा देखते जाओ. तो इनपुट साइड पे देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इधर मैं एक लूप लॉ लगा रहा हूँ, इधर इनपुट साइड पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो आई बी आर बी ये ड्रॉप हुआ प्लस वीबीई माइनस वीबीबी एंड माइनस वी आई इज इक्वल टू जीरो, ये लिखेंगे इनपुट साइड लूप के लिए. तो वही लिखा हुआ देखो, माइनस वी आई इधर से ऐसे गए तो माइनस वी आई प्लस आई बी आर बी प्लस वीबीई एंड माइनस वीबीबी इज इक्वल टू जीरो, समझ में आया इनपुट साइड के लूप के लिए. ठीक है, अब इसमें ये दो चीजें बराबर है तो चेंज इन लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू चेंज इन राइट साइड, राइट. तो अभी क्या है तुम्हारा डेल्टा वी इनपुट क्या हो जाएगा, देखो वीबी तो मेरा 0.7 वोल्ट पे कांस्टेंट ही है, वीबीबी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये तो चेंज हो नहीं रहा टाइम के साथ, राइट. इन दोनों में कुछ चेंज हो रहा है, अब वी आई को उस तरफ लेके जाओगे तो डेल्टा वी आई क्या हो जाएगा, आरबी इंटू डेल्टा आई बी. आई होप फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर, समझ में आया. चेंज इन इनपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू आई बी इंटू डेल्टा सॉरी आरबी इंटू डेल्टा आई बी. अगर ये इक्वेशन क्लियर है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ये समझ में आया सभी को, क्लियर है ना, बिकॉज वीबी इज नॉट चेंजिंग, वीबी इज 0.7 वोल्ट ओनली, सो डेल्टा ऑफ वीबी इज जीरो, वीबीबी इज नॉट चेंजिंग, व्हाट इज चेंजिंग इज वीआई चेंजिंग एंड करेस्पॉन्डिंगली योर आईबी विल बी चेंजिंग, सो चेंज इन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आरबी इंटू डेल्टा आईबी, फेयर एनफ. नाउ हाँ रीजन क्या लिखा, वीबी इज 0.7 वोल्ट विच इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट एंड वीबीबी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. अब आउटपुट लूप के लिए देखते हैं, तो वी आउटपुट क्या होता है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, अब तो याद ही हो गया ये फ्रेज, राइट. तो VCC माइनस ICRC के बराबर है, तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो VCC मेरा कांस्टेंट है और RC भी मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो ये मेरा RC, RC कांस्टेंट है और VCC की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ठीक है. लेकिन IC मेरा चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि एमिटर से करंट वेरी कर रहा है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज ऑन दैट साइड, राइट. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस RC डेल्टा IC, ये भी समझ में आया कि नहीं. सेकेंड इक्वेशन क्लियर है. अब एम्पलीफिकेशन क्या, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है, यही है ना फ्लक्चुएशन का रेशियो. अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर कैसे डिफाइंड है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, राइट. तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके क्या आ जाता है, वोल्टेज गेन एवी दैट इज माइनस आरसी बाय आरबी इंटू डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी, समझ में आ रहा है, जस्ट डिवाइड कर दिया इन दोनों इक्वेशन, डेल्टा वी आउटपुट अपॉन डेल्टा वी इनपुट इज व्हाट, माइनस आरसी बाय आरबी इंटू डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी, क्लियर. और डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी की तो हम बीटा बोलते हैं, बीटा जो मैंने बताया था 20 से 200 के बीच में होता है. तो अभी क्या है, आरसी और आरबी को हम एडजस्ट करके कितना भी वोल्टेज गेन ले सकते हैं, समझ में आई बात के लिए, डेल्टा एक्टिव मोड में, तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी तो हमारा बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर है, राइट. तो क्या लिखा, डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी इज बीटा ए सी, तो और बीटा ए सी बीटा डी सी तो करीब करीब बराबर ही होते हैं, अभी देख चुके एग्जाम्पल में. तो क्या आ गया वोल्टेज गेन, क्या आ गया, माइनस बीटा इंटू आरसी बाई आरबी. अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, अगर RC मैंने मच मच ग्रेटर देन RB ले लिया तो बीटा ही बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बीटा 150 के टाइप का देखा था अभी हमने, बीटा इटसेल्फ इज वेरी लार्ज, उसके बाद RC और RB का रेशियो हमने ऐसा चूज कर लिया तो और भी बड़ा ये नंबर क्रिएट होगा, बट देयर इज अ माइनस साइन सिटिंग आउटसाइड, राइट. माइनस साइन बैठा है, इसका मतलब क्या, जब इनपुट ऊपर जाएगा तो आउटपुट नीचे जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए पाई शिफ्ट है, समझ में आया ना रैशनल, वाई वी से दैट आउटपुट इज अ मैग्निफाइड वर्जन ऑफ इनपुट एंड पाई शिफ्टेड. I hope it is clear why it is pi shifted. Now using suitable values of RC and RB, we can achieve the desired voltage gain. ठीक है? Notice the negative sign. This means that output voltage is 180 degree out of phase with the input voltage. Also see the figure at the top of the section. तो यहाँ पे यही दिखाया. तो input voltage से output voltage उल्टा है. देख रहे? ये सीधा sine wave है या उल्टा sine wave है? Okay. Actual में sine wave example के लिए दिखाया, but actual में तो क्या होगा, कट कट करके जैसे बोलते जा रहे ऐसे से करके कुछ MP3 फाइल में जैसे से बनता रहता है उस तरह का यहाँ पे होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऐसे से करके कुछ आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा. तो इसमें मैं बोलते जा रहा हूँ, इस टाइम पे रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर अगर ऑन होता मेरा जो विजुअलाइज करा सकता है तो उसमें इस तरह से दिखता है. देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स ऑन विच यू कैन रिकॉर्ड एंड वो साथ के साथ तुम्हारा ग्राफ बनाते जाएगा तुम्हारी वॉइस का जो भी सिग्नल है. तो आई होप दिस इज क्लियर, एक बार इस सेक्शन को ढंग से पढ़ लो, कोई डाउट है तो मेरे को बोल दो, ठीक है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं पावर गेन की. पावर गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन इंटू करेंट गेन हम पावर गेन कहते हैं, ठीक है. तो वोल्टेज गेन तो हमने अभी देख लिया कितना होता है, अब करंट गेन क्या होता है, करंट गेन बीटा होता है, तो बीटा से और मल्टीप्लाई कर दो तो पावर गेन है, राइट. प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन इज कॉल्ड पावर गेन. तो क्या हो जाएगा, एवी इंटू बीटा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर आरसी बाय आरबी, ये मेरा पावर गेन है, डेफिनेशन है पावर गेन की, समझ गए. करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, बाय द वे
पावर गेन से ये मत समझ लेना कि ट्रांजिस्टर किसी तरह से एनर्जी जनरेट कर रहा है, ये जो भी गेन आ रहा है इट इज कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ वर्क डन बाय बैटरीज, बैटरीज लगी हुई ना, बैटरीज वर्क कर रही उसके एक्सपेंस पे ये गेन है पावर गेन, ऐसे नहीं कि यानी कहीं से हवा में एनर्जी जनरेट हो रही, ऐसा नहीं, बैटरीज आर डूइंग वर्क, द ट्रांजिस्टर डज नॉट जनरेट द पावर, द पावर गेन हैपेंस एट द एक्सपेंस ऑफ वर्क डन बाय द बैटरीज। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी में ये सर्किट दिया है, कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया नहीं है, देने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, बट इस सर्किट को भी देने की पता नहीं क्या जरूरत थी, बट ठीक है, और समझाया कुछ नहीं है, बस ये सर्किट दे दिया भगवान भरोसे बच्चों के ऊपर बस अत्याचार, तो मैं भी समझाऊंगा ज्यादा नहीं, बट ये बोल देता हूँ कि क्या है ये, इसका पूरा डिटेल सर्किट दिया भी नहीं है इन्होंने। देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्पलीफायर विद कैपेसिटर आइसोलेटर्स, तो क्या करते हैं नॉर्मली तुमको पता है कैपेसिटर जो होता है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को पास होने देते हैं, तो एक्चुअल सर्किट होता है दैट इज समवॉट लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली इसमें कुछ डिटेल्स मिस कर रखे बट समवॉट लाइक दिस, ये कैसे वर्क करता है इसके ऊपर अभी हम लोगों को नहीं जानना, बस ये जान लो ये सर्किट देख के घबराना नहीं है, ठीक है समझ गए, ये सर्किट क्या है समझो, ये स्टैंडर्ड सर्किट ही है, कैपेसिटर सिर्फ इसलिए दिया है ताकि ये केवल एसी को पास होने दे, डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर दे, तो यहाँ पर भी इसलिए लगा रखा है कि आउटपुट में मेरे को एक्चुअली डीसी फिक्स वैल्यू नहीं चाहिए, कैपेसिटर जो डीसी को ब्लॉक कर देगा और एसी करंट को जाने देगा, तो बस इसलिए सर्किट बनाया हो, ठीक है, इसके लिए कोई लूप लॉ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं करनी, बस जान लो ये सर्किट आए तो बस दिस ओनली स्टैंडर्ड सर्किट ओनली, बट कैपेसिटर्स आर यूज्ड टू रिमूव द डीसी पार्ट ऑफ द सिग्नल, दैट्स ऑल, ठीक है। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्पलीफायर सर्किट वी यूज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एम्पलीफायर सर्किट, इन प्रैक्टिस वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स, कैपेसिटर कैन ब्लॉक आउट डीसी एंड अलाउ ओनली एसी टू पास अकॉर्डिंगली, एम्पलीफायर सर्किट्स इन एम्पलीफायर सर्किट्स कैपेसिटर्स आर यूज्ड फॉर फिल्टरिंग आउट डीसी, वन सर्किट सच सर्किट इज शोन इन शोन अबव, इट्स वर्किंग इज नॉट डेल्ट इन जेई लेवल, यू विल लर्न अबाउट इट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्सेज, ठीक है, तो इसकी वर्किंग कैसे होती है ये सब नहीं देखना, इसको इसके ऊपर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ पे कैपेसिटर रेजिस्टर दोनों एक साथ लगा दियो, आरसी सर्किट में कैपेसिटर ट्रांजिस्टर जनरली नहीं बनाएगा कोई भी, ठीक है, ओके, बस इसको जब भी ऐसा सर्किट आए इसको बस सिंप्लीफाइड डायग्राम से रिप्लेस कर लो जो मैंने पहले किया, ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक और एग्जांपल देखते हैं, तो दिस एनसीईआरटी एग्जांपल 14.9, तो क्वेश्चन क्या देखो जरा, फिगर ये मैंने कॉपी कर दिया, क्या लिखा है, इन फिगर द वीबीबी सप्लाई कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट, तो ये जो सप्लाई है इसको 0 से 5 वोल्ट तक हम वेरी कर सकते हैं, ओके, और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, बीटा डीसी क्या दे रखा 250, तो इसका करंट गेन 250 दिया है, बेस वोल्टेज बेस रेजिस्टेंस कितना दे रखा है ये 100 किलो ओम दे रखा है, और कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना दे रखा 1 किलो ओम, ओके, और वीसीसी कितना दिया हुआ है मेरे को ये दे रखा 5 वोल्ट्स, रेज्यूम दैट व्हेन ट्रांजिस्टर इज सैचुरेटेड वीसी इज 0, सैचुरेशन में वीसी को 0 एक्चुअली तो डिफाइन ही ऐसे करते हैं बट नियरली 0 को भी कई बार सैचुरेटेड बोल देते हैं, तो ये मान लेना कि लिटरल 0 है, ठीक है, तो क्या पूछा है, सबसे पहला पार्ट है फाइंड द मिनिमम बेस करंट फॉर विच द ट्रांजिस्टर विल रीच सैचुरेशन, मिनिमम बेस करंट की वैल्यू पूछी है ताकि ट्रांजिस्टर सैचुरेट कर जाए, इससे सिमिलर क्वेश्चन थोड़ी देर पहले जेई मेन में आया था वो हमने देखा था, ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, तो मिनिमम बेस करंट फॉर सैचुरेशन, और बी पार्ट क्या है, डिटरमिन द इनपुट वोल्टेज व्हेन द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन, ठीक है, और क्या पूछा है, फाइंड द रेंजेस ऑफ वीआई फॉर विच द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑफ एंड स्विच्ड ऑन, ठीक है, तो एक बार देखो एक बार इस क्वेश्चन को फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, एक बार ट्राई योरसेल्फ, स्विच ऑन का मतलब होता है आउटपुट हमारी 1 होनी चाहिए यानी सैचुरेशन, स्विच ऑन का मतलब सैचुरेशन है और स्विच ऑफ का मतलब कट ऑफ है, ठीक है, अभी ट्राई करो, स्विच ऑन और स्विच ऑफ की डेफिनेशन सोच रहे हो ना कि क्या है, तो स्विच ऑन समझ गए ना, स्विच ऑन मतलब जब वीसीसी मेरा आउटपुट मेरा हाई आ रहा है तो स्विच ऑन और जब आउटपुट मेरा लो आ रहा है स्विच ऑफ है, तो अभी इसको खुद से ट्राई करो। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी ने जो इनपुट वोल्टेज माना है एमिटर के फॉरवर्ड प्रॉपरली बायस होने के लिए वो 0.6 वोल्ट लेके किया, ठीक है, तो तुम लोग भी 0.6 वोल्ट लेके करिए, नॉर्मली 0.7 वोल्ट लेके करते हैं, इसमें 0.6 वोल्ट लेना, ठीक है, ठीक है, इसको डिस्कस कर देता हूँ फिर आज के लिए स्टॉप करेंगे, लेट मी डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ, तो देखो सबसे पहले पार्ट में क्या पूछा है, मिनिमम बेस करंट फॉर द ट्रांजिस्टर विल रीच सैचुरेशन, तो ये तो काम आसानी से कर सकते हैं, तो फॉर सैचुरेशन वीसी को 0 करना है यानी वीसीसी माइनस आईसीआरसी को 0 करना, तो यानी वीसीसी माइनस बीटा आईबीआरसी को 0 करना है, तो आईबी क्या आ गया वीसीसी अपॉन बीटा आरसी, तो ये कितना आ गया 20 माइक्रो एम्पीयर, ये तो ठीक है, तो यही पूछा था ए पार्ट में, यही पूछा था ना मिनिमम बेस करंट फॉर ट्रांजिस्टर विल रीच सैचुरेशन, तो ये तो समझ में आ गया, ठीक, अब क्या पूछा है, हेंस
डिटरमिन द वीआई व्हेन द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन। अब इसको कैसे कर सकते हो, अब आप इनपुट वोल्टेज क्या है तुम्हारा, देखो ये इनपुट वोल्टेज है, ये क्या मेरा आईबीआरबी प्लस वीबीई, ठीक है। अच्छा सॉरी, वीबीई की वैल्यू हमें दे रखी है 0.8 वोल्ट दे रखी है, 0.8 जीरो नहीं, इनफैक्ट वीबी की वैल्यू हमें 0.8 दे रखी है। इनपुट वोल्टेज यहां वाली वोल्टेज को इनपुट डिफाइन किया, देखो वीआई लिखा हुआ है, ओके वीआई सेम एज दिस वीबीबी हो या वी, दिस इज योर इनपुट वोल्टेज राइट, इसकी वैल्यू निकालना, ये नहीं निकालना, ये वैल्यू निकालना, और ये तो हमें 0.8 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जीपीयू की वैल्यू 0.8 लेनी, ठीक है ओके। तो अभी क्या लिया हमने, इनपुट वोल्टेज आईबीआरबी प्लस वीबी, वो क्या हो गया, आईबी मेरा क्या 20 माइक्रो एम्पियर, तो आईबीआरबी प्लस 0.8, तो ये क्या आ गया 2.8 वोल्ट, ठीक है। स्विच ऑन का मतलब क्या, सैचुरेशन, और ट्रांजिस्टर सो ट्रांजिस्टर रिमेन स्विच्ड ऑन फ्रॉम 2.8 वोल्ट टू 5 वोल्ट, जस्ट वन सेकेंड, ये 2.8 वोल्ट क्या है मेरा, जस्ट वन सेकेंड, हाँ तो 2.8 वोल्ट पे मेरा सैचुरेशन आ गया, यानी 2.8 वोल्ट से ज्यादा पे भी सैचुरेटेड ही रहेगा। सोच के देखो, ट्रांसफर अगर सैचुरेटेड और इनपुट वोल्टेज और बढ़ाते जा रहे तो वो सैचुरेटेड ही रहेगा। वो ग्राफ याद आ रहा है ना, जो स्विच का ग्राफ था, तो वो फ्लैट ही आ गया था, तो फ्लैट ग्राफ वॉज कंटिन्यूइंग राइट। तो 2 और 5 वोल्ट कहां से आया, वेयर इज दिस 5 वोल्ट कमिंग फ्रॉम, ये क्वेश्चन में दिया है कि बेस की जो सप्लाई वोल्टेज है वो 0 से 5 वोल्ट तक ले जा सकते हैं, तो 5 वोल्ट अपर बाउंड वहां से आ रहा है, समझ में आई बात क्या, नहीं लोअर बाउंड हमने कैलकुलेट किया और अपर बाउंड क्या है 2.8 से लेके 5 वोल्ट तक ये हमारा सैचुरेटेड रहेगा, ठीक है। स्विच इनफैक्ट अदर वे राउंड है, इनफैक्ट स्विच ऑन का मतलब सैचुरेशन है, ऐसे डिफाइन किया एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर रिमेन स्विच्ड ऑन फ्रॉम 2.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट इनपुट साइड पे, ठीक है। For transistor to be cut off, the base emitter voltage should be insufficient to create proper forward bias, ठीक है। तो input voltage मेरी 0.6 volt से छोटी होनी चाहिए, proper forward bias नहीं हो रहा था, जो NCRT के लिए मैंने वही चीज लिया, ठीक है। वैसे normally 0.7 लेते हैं, बट इसमें 0.6 लिया। तो switched off region के लिए input voltage 0.6 से छोटी, 0 से 0.6 के बीच में से ये रहेगा switch off, ठीक है। And for switched on state 2.8 से लेके 5 volt तक रहेगा, clear? Note that transistor is in active state. जब आईबी मेरा 0 से 20 माइक्रो एम्पियर के बीच में, तो हमारा एक्टिव स्टेट बोलते हैं, ठीक है। दिस करिस्पॉन्ड्स टू 0.6 से 2.8 वोल्ट, समझ गए। तो 2.8 पे सैचुरेशन चालू हुआ है और 0.6 से पहले कट ऑफ है, तो 0.6 से लेकर 2.8 के बीच में हम एक्टिव रीजन मानेंगे। नॉर्मली 0.7 से स्टार्ट करते हैं, बट एनसीईआरटी ने इसमें 0.6 लिया हुआ, ठीक है, समझ में आया ना। आईसी क्या है, बीटा आईबी कहां पे होल्ड करता है, केवल एक्टिव स्टेट में होल्ड करता है। याद करो, ग्राफ जो है इधर जाके फ्लैट होता था, एक्टिव रीजन में बीटा टाइम्स आईबी लगा सकते, सब जगह नहीं लगा सकते ये। तो जब सैचुरेशन में या कट ऑफ में, तो ऐसे सीधे सीधे ये यूज नहीं कर सकते, यानी प्रॉपरली जब सैचुरेट हो गया, बॉर्डर ऑफ सैचुरेशन पे लगा सकते, जहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ चल रहा है, ऐसा है ना हमारा ग्राफ ये, तो इस रीजन में लगा सकते बीटा वाला जो बंडर, इसके बाद सैचुरेट हो गया तब फिर नहीं लगा सकते, ये कट ऑफ है तब भी नहीं लगा सकते बीटा, बीटा डिफाइंड होता है हमारा एक्टिव रीजन, ठीक है ओके। और सैचुरेशन जब आ जाता है, उसके बाद जो कलेक्टर करंट होता है वो सैचुरेट, तब बीटा आईबी से छोटा हो जाता है जो करंट है, ठीक है ओके। सो दिस इज इट, तो समझ में आया ना ये वाला एग्जांपल, क्लियर। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, और अब आगे की क्लास में क्या देखेंगे, आगे की क्लास में हम लोग कॉमन बेस एम्पलीफायर भी देखेंगे, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है। देन विल सी फीडबैक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, और उसके बाद फिर जो आगे मेजर चीजें जो हम देखने वाले हैं, वो लॉजिक के लिए डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स, और उसके बाद फिर लॉजिक गेट्स की बात करेंगे, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स एंड हाउ दे आर रियलाइज यूजिंग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। तो ये सब कहानी आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।